जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। आज के युग की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आर्थिक समस्या है, धन की समस्या है, पैसों की समस्या है। पैसों की समस्या से लोग इस कदर जूझ रहे हैं कि कई मेहनत करने के बाद में, एक साथ कई तरह के कार्य करने के बाद, प्रयोजन करने के बाद, एक साथ व्यक्ति कई तरह के बिजनेस करता है, अलग अलग जगह नौकरी करता है, इसके बावजूद भी व्यक्ति के पास में इतना पैसा नहीं हो पाता है कि वह व्यक्ति अपना घर सुचारू रूप से चला सके। कई लोगों के कामकाज बहुत अच्छे चलते चलते बंद हो जाते हैं और फिर वो नए व्यवसाय के लिए पैसों का अरेंजमेंट करते हैं और वो पैसा भी उनका खर्च हो जाता है, नया व्यवसाय चलता है, नहीं चलता है और कर्ज हो जाता है। व्यक्तियों की नौकरी छूटने लग जाती है, अच्छी खासी चलती हुई नौकरी छूट जाती है। कई ऐसे लोग हैं कि जिनकी ऐसी कमेंट्स आते हैं कि वो कई नौकरियां ढूंढ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको कहीं पर भी जॉब या नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो जो मुख्य समस्या है, धन की समस्या है, पैसों की समस्या है। तो जैसे कि सभी जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो धन की देवी हैं वो माता लक्ष्मी हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति धन को प्राप्त करना चाहता है उसको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। जिस किसी भी व्यक्ति पर यदि माता लक्ष्मी प्रसन्न है तो ऐसे व्यक्ति का कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, अच्छे ढंग से चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा। ऐसे व्यक्ति को अच्छी जगह पर नौकरी मिलेगी और उसकी नौकरी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगी। क्यों? क्योंकि यदि उसका व्यवसाय चलेगा, उसकी नौकरी चलेगी, तभी उसके घर में धन आएगा, पैसा आएगा और पैसा टिकेगा। तो माता लक्ष्मी की जिस किसी व्यक्ति पर दया उतरती है, ऐसे व्यक्ति का कामकाज बहुत ही अच्छे से चलता है और ऐसे व्यक्ति का नौकरी जो है, जॉब है, सर्विस है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से चलती है। तो जो लोग धन की समस्या से पीड़ित हैं उनके लिए आज हमने माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला एक उपाय बताने जा रहे हैं कि यदि ये उपाय आप करते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर अति प्रसन्न होंगे। दोस्तों, ये जो इसे रोज टंबल कहा जाता है, ये जो पत्थर है ये कमल का पत्थर माना जाता है, गुलाब का पत्थर माना जाता है। और गुलाब जो पुष्प है वो माता लक्ष्मी को जो अति प्रिय पुष्प है उनमें से एक पुष्प है। गुलाब का जो पुष्प है वो जो माता लक्ष्मी को प्रिय है उनमें से एक है। तो यदि इसको आप अपने घर में लेकर के आते हैं और इसको एक आप अपने घर की चौखट पर टांगते हैं, एक अपने पास रखते हैं, एक आप अपनी गृह लक्ष्मी को देते हैं और एक अपने नौकरी या व्यवसाय की जगह पर रखते हैं, तो ऐसी चारों जगह से आपके धन में यदि कोई भी बाधा होगी तो वो बाधा दूर होगी और आपके घर में धन सुचारू रूप से आना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, ये रोज टंबल है, ये चार टंबल हम आपको देते हैं। इसको हम लक्ष्मी के ही ओम श्रीम श्रिये नमः इस मंत्र से इसको अभिमंत्रित करते हैं। जब इसमें पर्याप्त ऊर्जा का संचालन हो जाता है, इसके बाद हम इसको आप तक पहुंचाते हैं, तो आपकी जो कोई भी धन की समस्या है वो अति शीघ्र दूर होती है। तो यदि आप इस रोज नंबर को मंगाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क करें, हम इसको विधिवत संपूर्ण विधि विधान के साथ में अभिमंत्रित करने के बाद आप तक पहुँचाएंगे, जिससे आपकी जो धन की समस्या है वो अति शीघ्र दूर होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दीप प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए।